जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं, मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से टर्मिनेट क्यों करा। और हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से 200, 300, 500 लोग हर साल टर्मिनेट हो रहे हैं। स्टेट पुलिस से टर्मिनेट हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब से टर्मिनेट हो रहे हैं। तो क्या रीजन होते हैं इनके टर्मिनेट होने के, आज हम रीजन पे बात करते हैं। और जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है वो इस वीडियो को जरूर देखें और ये गलती ना करें जो गलती मैंने करी है, क्योंकि टर्मिनेशन लाइफ का बहुत बड़ा दुख होता है। उससे बड़ा दुख मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ में अभी तक कभी कोई आया है, और ना ही मेरे को लगता है कि इससे बड़ा कुछ होगा। क्योंकि टर्मिनेट यार जस्ट लाइक कि आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो, आप फिजिकल क्वालिफाई करते हो, आप उसके बाद मेरिट में आते हो, फाइनली आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है होती है, आप एक से डेढ़ साल का प्रोसेस कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप ज्वाइन कर लेते हो, और ट्रेनिंग के बीच में से 7 महीने की ट्रेनिंग के बीच में से सैलरी आने के बाद, लाइक मेरी सैलरी आई थी 1,40,000, आई वॉज वेरी हैप्पी यार। सैलरी आने के बाद कौन खुश नहीं होता, सभी खुश होते हैं। और सैलरी आने के 7 दिन बाद, मतलब पहली छुट्टी में मैं टर्मिनेट हो गया। तो आप समझ सकते हो क्या मोमेंट रहे होंगे, वो कैसा टाइम रहा होगा जब मैं टर्मिनेट हुआ। मैं लगभग 1 महीने तक डिप्रेशन में रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये हुआ क्या मेरे साथ में, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में कमांडर था। मैं वहाँ पे देख बहुत सारी चीज़ें मेरी अच्छी चल रही थी लाइफ में, घर में फैमिली काफ़ी खुश थी, क्योंकि मैं अपनी पूरी जनरेशन से, जो भी मेरी पुस्तों में किसी की लाइक की मतलब अपनी पूरी जनरेशन से पहला बंदा था जो पुलिस ज्वाइन कर रहा था, जिसकी गवर्नमेंट जॉब लग रही थी। और मेरा जो गांव है 740 की आबादी है, वहां से तो मैं कई सालों में पहला बंदा हूं जिसकी नौकरी लग रही है। और काफ़ी लोग इंस्पायर हो रहे थे कि यार जो आने वाला यूथ था वो काफ़ी ज़्यादा एक्नोलेज कर रहा था मुझे, और मैं भी उनको काफ़ी ज़्यादा पढ़ा रहा था, चीज़ें समझा रहा था कि यार इस गाँव से अब लोगों को निकालेंगे, अपन जैसे तैसे निकले इनको भी निकालेंगे। तो हुआ ये सारी चीज़ें, तो फिर मैं टर्मिनेट हो गया। तो बात करते हैं मैं टर्मिनेट क्यों हुआ हूँ, क्या रीजन थे। तो हुआ क्या, 2020 अक्टूबर 2020 में जब कोविड का टाइम था, लॉकडाउन लगा हुआ था, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो भाई हमारे यहाँ पे अब एक दीवार है, तो वहाँ पे हम लोग का काम चल रहा हुआ, कंस्ट्रक्शन का कोई काम चल रहा हुआ, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब वो दीवार उठा रहे थे, तो उसको लेके जो थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होते रहते हैं गाँव में, आप तो जानते ही हो, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो पड़ोसियों में घर में छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहते हैं। तो हुआ क्या, वही दीवार पे कुछ दो चार उंगल की बात थी, एक उंगल की बात थी, उस बात को लेके डिस्प्यूट हुआ थोड़ा बहुत जो भी हुआ, और मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और मेरा किसी तरीके से कुछ भी नहीं था। देन आफ्टर मेरा नाम FIR में जान मूझ के डलवाया गया, फोर्सफुली मेरा नाम इन्वॉल्व करा, और वहाँ पे मेरा नाम इन्वॉल्व हुआ। और मेरे पापा यार किसान है, और तो इतना कुछ आइडिया होता नहीं कि कानून मानून का, कि भाई काउंटर FIR करनी होती है या फिर FIR को क्वेश कराना होता है। अगर झूठी FIR है तो भाई जो भी वहाँ पे पुलिस अधिकारी है उसको कोई हक नहीं है कि झूठी FIR लिखे वहाँ पे, कोई इन्वेस्टिगेशन करे पहले, तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करे, बिना इन्वेस्टिगेशन के FIR नहीं लिख सकता। और तो भाई वो पैसे वैसे खिला दिए थोड़े बहुत, और उस बंदे ने जानबूझ के मेरा नाम इन्वॉल्व करा दिया उसमें, और जिसने इन्वॉल्व कराया। और तो हुआ क्या कि मतलब फैमिली थे यार, मतलब चाची मेरी, पापा मेरे पापा के भाई की वाइफ, मतलब सगे पापा मेरे, उनकी वाइफ और उनके लड़के ने जाके हम लोगों की FIR करा दी, और मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और जब तक मेरे पास, अब देखो मैं अपने गांव से वो लड़का था जिसने, पहला लड़का था जिसने NCC ज्वाइन करी, और पहला बंदा था जो मेधावी स्टूडेंट रहा हूँ, आसपास के एरिया में कोई नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में के अगर आपने पढ़ाई करी हो तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि यार कितनी मुश्किल से आप आगे निकलते हो। मैं गवर्नमेंट स्कूल में था, मैं वहाँ पे 12th में मेधावी स्टूडेंट रहा, देन आफ्टर आई ज्वाइन NCC। NCC भाई बहुत स्ट्रगल रहा था NCC ज्वाइन करने में, क्योंकि मेरे को लगभग 20 किलोमीटर तो जाना पड़ता था, उसके बाद बस से ट्रेवल करना पड़ता था, देन अर्ली मॉर्निंग हमको बुला देते थे, तो यहाँ से 3:30-4 बजे निकलता था घर से, तब जाके 6:30-6:30 वहाँ NCC ग्राउंड पे पहुंचता था, फिर उसके बाद NCC ट्रेनिंग होती थी। तो कितना मुश्किल से वो सारी चीजें हुई, और फाइनली मैंने NCC में 3 नेशनल कैंप करे, जो कि रिपब्लिक कैंप वन ऑफ द बिगेस्ट कैंप होता है NCC का, और जो दिल्ली में होता है, जहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर रैली, राजपथ, बेस्ट कैडेट बनने का अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो मैं करके आया। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, प्रेसिडेंट साहब को देखा वहाँ पे, और कितने बड़े बड़े चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मिले, तो एक मतलब
आप समझ सकते हो वो क्या मूवमेंट रहे होंगे एक छोटे से गांव के बच्चे के लिए, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ये सारे मूवमेंट्स, तो वो सब करके आया। तो अब यहाँ पे देखो ये सब 2020 से की पहले की बात है, और फिर मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की जॉब लगी, वहां पे हम लोगों का राज पर चलने का मौका मिला मुझे, तो वो करके आया। तो ये सारी चीजें मैं कर रहा था, तो आप समझ सकते हो कि यार मेरा माइंडसेट कहाँ होगा। मेरा माइंडसेट जब यही था कि मेरे को अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छी एक जॉब लेनी है, ताकि मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, अपने गांव वालों को सपोर्ट करूं, अपने गांव के आने वाली जनरेशन को मोटिवेट कर सकूं, उनको पढ़ाई में आगे निकाल सकूं। तो अब ये भाई साहब ने जानबूझ के मेरा नाम इन्वॉल्व करा दिया एफआईआर में कि इस लड़के की जॉब ना लगे। अब देख रहे हो एक मतलब, और धाराएं आपने पता क्या क्या लगवाई इन लोगों ने, 323, 506, 294, जबकि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन सब चीजों में, उसके बाद ये सारी धाराएं लगवाई। और हमारे पापा को इतना नॉलेज नहीं था कि भाई काउंटर एफआईआर होती है, ये सारी चीजें होती हैं, और ये क्वेश्चन के लिए केट वो जाता है, चार्जशीट पे साइन नहीं करने होते हैं, तो ये कुछ नहीं मालूम था उनका। फ्लो में बह गए, सारी चीजें हो गई, और फिर विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर फैमिली डिस्प्यूट था, तो कॉम्प्रोमाइज हुआ, खत्म हो गया मैटर। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ में ये दिक्कत होती है, मैंने देखा जब मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी ड्यू टू सम प्राइवेट रीजन, पर्सनल रीजन, तो मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। वहाँ पे 500 कमेंट में से 250-300 कमेंट ऐसे थे जिसमें लोग के ऊपर एफआईआर है, झूठी एफआईआर है, पड़ोसियों ने एफआईआर करी हुई है, घर वालों रिश्तेदारों ने एफआईआर करी हुई है, किसी का एक्सीडेंटल कुछ रहा, इशू रहा, किसी का 420 में कॉलेज में कुछ डिस्प्यूट हुआ, तो ऐसे कई एफआईआर हुई है, कई एफआईआर हुई है, किसी का सब चलता रहा। तो वो लोग काफी डरे में रहते हैं कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अब ये सारी चीजें हुई, अब ये 2022 का मैटर था, 2020 का मैटर था। अब फॉर्म वॉर्म भरे, मैंने फॉर्म भराए 2020 अगस्त में फॉर्म भराए थे, और पूरा एक साल का प्रोसेस था, नवंबर दिसंबर के टाइम पे एग्जाम वगैरह हुए, फिर फाइनली फिजिकल म्यूजिकल हुआ, सारी चीज क्वालिफाई हुई, और फाइनली मेरी जॉब लगी, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लगी, और मेरी ट्रेनिंग पे जज हुआ था, 7 महीने की ट्रेनिंग थी। लेकिन उससे पहले, जॉब ज्वाइन कराने से पहले, ये फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। तो अटेस्टेशन फॉर्म होता है, तो इसमें कुछ कॉलम्स होते हैं जिसमें आपको अपनी सारी चीजें बतानी पड़ती है, क्रिमिनल लोग के बारे, क्रिमिनल चीजों के बारे में बताना पड़ता है। तो ये कॉलम थे जिसके कारण ये गलतियां जो मेरे से हुई है, जो गलती मैंने करी है, और वही गलती हर साल 100-150 लोग हर साल करते हैं, हर साल 100-150 लोग गवर्नमेंट जॉब से टर्मिनेट हो रहे हैं, तो वही गलती है, वो आपको नहीं करनी है, और ताकि आप अपनी जॉब को सिक्योर रख सके, क्योंकि टर्मिनेशन बहुत बड़ा धोखा है, मैं बता रहा हूँ, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या बीतती है लोगों पे। तो पहला मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन क्या चीज थी है। तो पहली चीज थी, हैव यू एवर बीन कैप्ड अंडर डिटेंशन। अब लोग की लैंग्वेज इतनी टफ होती है, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते उसको, तो क्या आप कभी नजरबंद रखे गए? नहीं भाई, मेरे साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर दूसरा कॉलम था, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, कभी को आपको अरेस्ट करा गया? नहीं, ये भी मेरे साथ नहीं था। उसके बाद ये तीसरा था, हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, ये चीज भी मेरे साथ नहीं हुई। उसके बाद चौथा था, हैव यू एवर बीन फाइंड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, अब ये मेरे दोस्त के साथ था जिसके ऊपर 500 रुपए का चालान था, उसने ये यहाँ पे नो कर दिया, जबकि अगर वो यहाँ पे यस करता तो वो टर्मिनेट नहीं होता, ये भी मेरे साथ इशू नहीं था। उसके बाद था पांचवा कॉलम, वेदर एनी एफआईआर वाज एवर रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू इन एनी पुलिस स्टेशन। तो हम लोग इस साल जितने भी लोग टर्मिनेट हुए उनका यही रीजन था कि यहाँ पे उनको यस करना था और उनने नो करा, यानी कि यहाँ पे मेरे को यस करना था और मैंने नो करा, और ये छोटी सी गलती मुझे टर्मिनेट कर गई और मैं बहुत ज्यादा इसमें पिस गया। उसके बाद इसका सदबा कॉलम था, हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, हैज अ चार्जशीट इन द क्रिमिनल केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट यू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, जब आपको ऊपर एफआईआर होती है तो वहां पर चार्जशीट बनती है, तो यहाँ पे भी मेरे को यस करना था, यहाँ पे भी मैंने नो कर दिया। उसके बाद इसका जी नंबर कॉलम है, इन इज एनी क्रिमिनल केस कंप्लेंट केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ और टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ दिस अटेस्टेशन फॉर्म। तो मेरे ऊपर कोई पेंडिंग मैटर नहीं था, मेरा मैटर खत्म हो गया था। अगर मैं भरता, मैं अगर दोनों में यस करता, लास्ट ये एफ आई आर वाला और ये चार्जशीट वाले ऑप्शन में, तो मेरी जॉब नहीं जाती, मुझे बाकायदा जॉब में रखते और मैं टर्मिनेट नहीं होता। लेकिन मेरी इतनी सी गलती, एक हाँ और ना की गलती के कारण मैं टर्मिनेट हो गया जॉब से, और अभी मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मैं घर पर बैठा हूँ। तो ये छोटी सी गलती कारण मैं टर्मिनेट हुआ, इतनी सी गलती कारण, बस यस और नो की गलती कारण, अगर मैं भर देता तो मैं टर्मिनेट नहीं होता। तो उसके बाद जो होता है इसमें लिखा हुआ, इस एनी क्रिमिनल केस, तो ये सारी चीजें, ये मेन चीजें होती हैं, ये कॉलम होते हैं,
और बाकी यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ अगर आपने छोटी भी गलती करी थी तो आप टर्मिनेट हो जाओगे। तो भाई अब देखो, अब मेरे को क्या रीजन था कि मैंने यहाँ पे सब में नो कर दिया। पहली बार सैटरडे को फॉर्म भरा रहे थे और दो ढाई घंटे का टाइम मिला था, इसकी चार कॉपी भरनी थी, चार फोटोकॉपी करानी थी, ये करना था, तो एक जल्दबाजी थी। दूसरी चीज, प्रॉपर गाइडेंस नहीं था। तीसरी चीज, डर था क्या पता जॉब मिले ना मिले। अगर मैंने सही भर दिया तो पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं कितना टाइम बाद ज्वाइन कराएंगे। और चौथी चीज ये था कि यार इतने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये सबका यही चेक करते रहेंगे किसके खिलाफ एफ आई आर है किसके खिलाफ एफ आई आर नहीं है, तो ये गलतफहमी थी अंदर। तो ये चार कारणों के कारण मैं टर्मिनेट हुआ हूँ। और इतना आइडिया भी नहीं था यार, आप मतलब इतना यंग रहते हो, आपको इन सारी चीज़ों का पता नहीं रहता। और जब आपके ऊपर आप इन्वॉल्व नहीं रखते ना, जैसे कि आपने क्राइम नहीं करा होता है और झूठा आप में कोई करा दे, तो उस टाइम पे भी आप इतने अवेयर नहीं होते चीज़ों के साथ में। अगर मैंने कोई, तो ये मेरी झूठी एफ आई आर थी, वहाँ पे मेरी झूठी एफ आई आर में नाम लिखवाया, वो एक जानबूझ के इंटेंशनली गलती और मेरी यहाँ की अनजाने की गलती। मतलब मेरी चाची ने जानबूझ के मेरा नाम लिखवाया, वो वाली गलती, और यहाँ पे मेरी अनजाने की गलती, अगर दो गलतियों ने मुझे टर्मिनेट कर दिया। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके ऊपर कभी कोई एफ आई आर ना ही हो तो बहुत सही चीज़ है, क्योंकि ये आपको लाइफ लॉन्ग आपको हर्ट करेगी। और उसके बाद अब ये टर्मिनेशन जैसी घटनाएं आपके साथ हो सकती है, काफी प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का सिंपल सा रीजन यही है कि यार बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी पड़ती, प्रॉब्लम फेस करते हो, कोर्ट में जाते हो, वकील से बात करते हो, केस हियरिंग होती है, हियरिंग की डेट मिलती है, आपको यार हर टाइम मतलब आप मेंटली इतने डिस्टर्ब हो जाते हो, आप इतने डिप्रेस हो जाते हो, आप बाहर नहीं निकल पाते। और जब मेरा कोर्ट में केस चल रहा था, मैं देख रहा था यार कैसे कैसे छोटे छोटे रीजन से लोग टर्मिनेट हो जाते हैं बस हाँ और ना की गलती की वजह से। और फाइनल, और ये पूरा प्रोसेस होता है, फिर इसका पूरा प्रोसेस होता है, कोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद पूरा कोर्ट का प्रोसेस होता है, उसमें आप जीतते हो हारते हो ये बात की बात है, फिर आपका पूरा केस चलता है, फिर तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इंसान। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके ऊपर कोई एफ आई आर है तो प्लीज़ मैंशन करें, और अगर आपके ऊपर कोई झूठी एफ आई आर करें तो उसको क्वेश्चन पे डालो, क्वेश्चन कराओ उसको हाई कोर्ट से, वो सबसे बेहतर ऑप्शन रहता है। और कोई अगर आपकी झूठी एफ आई आर करे तो उसके ऊपर आप डिफेमेशन का केस कर सकते हो। लाइक मेरे ऊपर वो झूठी एफ आई आर थी, मैं इतना परेशान हुआ उनके इंटेंशनली गलती की वजह से, और मेरी छोटी सी जानबूझ के मेरी गलती, जो मेरी गलती हुई, तो मैं अभी उनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर रहा हूँ कि उनने मेरे ऊपर झूठी एफ आई आर कैसे करी। और मैं उस पुलिस वाले के ऊपर भी कंप्लेंट करूंगा कि उसने बिना इंक्वायरी करे मेरा नाम कैसे लिख लिया। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरे को करना बाकी है। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये कोई भी टर्मिनेशन की बात नहीं करता, इतने लोग टर्मिनेट हुए हैं। लाइक कि अवतार सिंह बसेस सुप्रीम कोर्ट का जो मैटर था, उसमें उसको रिलीफ मिला, उसको रिइंस्टेंट करा, उसका किसी को नहीं मालूम। पवन कुमार का केस इतना फेमस हुआ सुप्रीम कोर्ट से, उसको रिलीफ मिला, किसी को नहीं मालूम। विक्रम दुहाल का केस इतना जजमेंट उसके फेवर में आया, किसी को नहीं मालूम। जबकि ये चीज़ें आपके फेवर में हैं कि छोटी मोटी अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप टर्मिनेट मतलब मैं आपको रिलीफ मिल जाता है, रिइंस्टेंट हो जाते हो। तो मैं बताऊंगा आपके आगे मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को रिइंस्टेंट हुआ नहीं हुआ, क्या सीन चल रहा है मेरा। तो काइंडली वीडियो को शेयर करें ताकि लोग टर्मिनेट ना हो, और ये बहुत बड़ा रहता है यार सच में, बहुत परेशान हो जाते हैं। मतलब 10 महीने में समझ सकते हो आप मेरा मेंटली मैं कितना टॉर्चर रहा हूँ। तो काइंडली शेयर दिस वीडियो, थैंक यू, जय हिंद। और मैं होप करता हूँ अब मेरी इस वीडियो से आप लोगों को इंसाइट मिले और आप कभी टर्मिनेट ना हो। थैंक यू, जय हिंद।